हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा। आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मंत्रा में आपका बेहद स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर मानसी मिश्रा। जी हां, बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रीज एंड देयर करेंसीज। यानी आज के इस वीडियो में हम जो डिस्कस करेंगे वो हम क्या होगा टॉपिक, कंट्रीज और उनकी करेंसीज के बारे में। ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में बच्चों ने बताया था कि उन्हें ये याद करने में थोड़ी दिक्कत आ रही है, तो हमने सोचा इस पर एक वीडियो लेक्चर बना के अपने जो बच्चा पार्टी है उसकी मुश्किलों को कुछ आसान बनाया जाए। आ गए हम लेकर हम दीवाना दिल नहीं, दिल तो बच्चा है जी। डेफिनेटली आज हम यहाँ पे ख़त्म करेंगे ये टॉपिक और आई होप आप हमारे साथ साथ याद करते जाएंगे ताकि आपको बाद में रट्टा ना लगाना पड़े। अगर आप हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं। चले स्टार्ट करें। चार लाइनें अब तो बड़ी मुश्किल होती जा रही हैं, जहाँ से पढ़ते थे वो भी ख़त्म हो गई है। चलो फिर भी ट्राई करती हूँ। कि राही भी हम और मंजिल भी हम, राही भी हम और मंजिल भी हम, खुदा भी हम और खुदी भी हम, है हौसलों में वो जज्बा हमारे कि बंदे भी हम और बंदगी भी हम। यानी अगर हम अपने हौसलों में जज्बा रखें, पैशन रखें, तो हर वो चीज़ पा सकते हैं। कोई और हमारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ हम ही अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। या हमारे कैमरामैन उल्टी सीधी हरकतें करके हंसाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे, और डेफिनेटली हमें हंसते भी रहना चाहिए क्योंकि एक टेंस्ड माइंड से आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आप ग्रोइंग एज में हो, जितना अच्छा आप खेलते ह्यूमरस वे में पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, उतना आपको बहुत आसानी से याद होगा। और अगर आप ज़्यादा टेंस्ड होगे, पैनिक होगे, और जितनी भी ज़्यादा आप अपने दिमाग को प्रेशराइज़ करने की कोशिश करोगे या प्रेशराइज्ड रहोगे, उतना आपको कम याद होगा और रिटेन भी नहीं कर पाओगे। हंसते खेलते पढ़ो, स्टडी मंत्रा का तो फंडा ही यही है, या तो जीतेंगे या तो सीखेंगे, लेकिन हार नहीं मानेंगे। तो ना हम हार मानेंगे ना हम आपको हार मानने देंगे, रोज़ नए टॉपिक्स लेकर आते रहेंगे क्योंकि हम कर रहे हैं आज सीखने की तैयारी, क्योंकि ये है हमारे कल की जीत की तैयारी। ठीक है, आ जाओ बढ़ते हैं। सबसे पहली जो कंट्री है हमारी, देखो हमने बच्चों कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज किया है, यानी ए टू जेड हम बढ़ रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसानी रहे। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारी कंट्री है दैट इज़ अफ़गानिस्तान, और इसकी करेंसी है अफ़गानी। ठीक है, देखो अफ़गानिस्तान अफ़गानी, याद करने में आसानी हो जाएगी, अफ़गानिस्तान अफ़गानी। फिर क्या है, अल्जीरिया, और क्या है इसकी करेंसी, अल्जीरियन दीनार। अल्जीरिया और दीनार, अल्जीरिया की करेंसी क्या है बच्चों, अल्जीरियन दीनार। ठीक, फिर है अर्जेंटीना, और अर्जेंटीना की करेंसी क्या है बच्चों, अर्जेंटीनी पैसो। पैसो, अच्छा बच्चों उन कंट्रीज़ की करेंसी जिनमें पैसो, रुपी या रुपया आता है, वो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं, क्योंकि आपको इंडियन रुपी से उसको थोड़ा रिजेंबल करती हैं, और इसलिए आपको अक्सर कंफ्यूज़ करने के लिए ऐसी कंट्रीज़ के बारे में ज़्यादा पूछा जाता है। तो ऐसी कंट्रीज़ पे आप विशेषकर फोकस करें और उन्हें बिल्कुल भी मिस ना करें। हमारी कंट्री क्या थी, अर्जेंटीना, और यहाँ पे करेंसी क्या है, पैसो, अर्जेंटीनी पैसो। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब ये किसको नहीं याद होगा कि ऑस्ट्रेलिया में क्या चलता है, डॉलर। ठीक, ऑस्ट्रिया, अब देखो बच्चों ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रिया में अंतर है, ये ऑस्ट्रेलिया है और यहाँ की करेंसी डॉलर है, लेकिन ऑस्ट्रिया आ जाता है यूरोपियन यूरो। बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ है जहाँ पे करेंसी के रूप में किसको यूज़ किया जाता है, यूरोपियन यूरो का। तो आप वो ध्यान रखेंगे, चाहें तो उनकी अलग से लिस्ट बना लें कि किन किन कंट्रीज़ में यूरोपियन यूरो चलता है। ठीक है, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया क्या था, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। देखो यहाँ पे भी एल है ना, और डॉलर में भी एल है, याद हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया एल, डॉलर में भी एल। ठीक, आप नहीं भूलोगे। और ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोपियन यूरो। ऑस्ट्रिया क्या है, यूरोपियन यूरो। फिर
बहरीन में भी क्या चलता है, बहरीनियन दिनार। देखो दिनार कहाँ कहाँ था, अल्जीरिया में भी दिनार था और बहरीन में भी दिनार। देखो अल्जीरिया में भी ए है, दिनार में भी ए आ गया, और देखो बहरीन में भी दो दो ए हैं और यहाँ पे दिनार में भी ए है। ठीक, तो ऐसे को रिलेट करते हुए याद करो ताकि रिटेंशन पावर अच्छी हो। फिर बांग्लादेश, बांग्लादेश में क्या है, बांग्लादेशी टाका, टाका बांग्लादेश टाका। ठीक है, फिर बेल्जियम, और बेल्जियम में भी देखो फिर क्या आ गया, यूरोपियन यूरो। बेल्जियम में क्या है, यूरोपियन यूरो। तो बच्चों करेंसी के मामले में यूरोपियन यूरो काफ़ी आपका रिपीट होने वाला है, कई कंट्रीज़ में इसका यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ डॉलर भी रिपीट होगा। इसके बाद जिन कंट्रीज़ पे आपको फोकस करना है वो कंट्रीज़ हैं जिनमें, जिनकी जो करेंसी है वो हमारे इंडियन रुपी से, जिनका नाम थोड़ा रिजेंबल करता है, जैसे पैसो है, रुपया है, तो आपको इन कंट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है और इनको याद करते हुए चलना है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो आप स्क्रीनशॉट ले लो, वी विल बी बैक। और अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप के साथ जुड़ना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, साथ ही साथ पहला कॉमेंट स्क्रीनशॉट। ओके, सो हेयर अगेन वी आर हैविंग लिस्ट ऑफ सम कंट्रीज एज वेल एज देयर करेंसीज। तो फर्स्ट वन इज भूटान, और भूटान में क्या चलता है, करेंसी क्या है, भूटानीज नगल्ट्रम। ठीक है, याद रखने वाली बात है, भूटान नगल्ट्रम। देखो भूटान आन और नगल्ट्रम, ठीक, थोड़ा रिदम बना के याद कर लो, भूटान नगल्ट्रम। फिर आ गया ब्राज़ील, ब्राज़ीलियन रियल। ठीक है, ब्राज़ील रियल, ठीक, ऐसे याद कर लो, ब्राज़ील रियल। फिर क्या है, कॉम्बोडिया, कॉम्बोडिया में भी क्या चलता है, रियल। तो देखो ये दो हो गए रियल वाले, ब्राज़ील ब्राज़ीलियन रियल, कॉम्बोडिया कॉम्बोडियन रियल, रियल चल रहा है। कनाडा, कनाडा याद, कनाडा में क्या है, डॉलर। ठीक है, कैनेडियन डॉलर। इसके बाद क्या है, चिले, चिले में देखो चिलियन पैसो, ये क्या चल रहा है, पैसो यहाँ पे। इसके बाद चाइना, चाइनीज वन, ठीक। इसके बाद क्या है, कोलंबिया, कोलंबिया में देखो फिर पैसो आ गया। फिर है क्यूबा, क्यूबियन पैसो आ गया। यहाँ पे ये दो पैसो थे और यहाँ पे ये दो रियाल और एक ये पैसो, यानी चिली, कोलंबिया और क्यूबा, चिले कोलंबिया और क्यूबा, इनमें क्या चल रहा है, पैसो, यानी चिले कोलंबिया और क्यूबा, इनमें क्या है, पैसो। ठीक, इनमें क्या चल रहा है, पैसो। डेनमार्क क्या है, डेनिश क्नॉल। ठीक है, यू विल टेक अ स्क्रीनशॉट। और देखो रियाल दो में याद रखोगे, ब्राज़ील क्या है, रियल, और कॉम्बोडिया में भी क्या है, कॉम्बोडियन रियल। तो तीन में हमारा कौन कौन से थे, चिले कोलंबिया क्यूबा, इनमें क्या चल रहा है, पैसो। ठीक, तो यू हैव टू टेक दिस स्क्रीनशॉट, नो नीड टू गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक विद सम अदर कंट्रीज एंड देयर करेंसीज। आवर नंबर इज देयर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एज वेल एज इन फर्स्ट कॉमेंट, सो टेक अ स्क्रीनशॉट, वी विल बी राइट बैक। ओके, सो वी आर हैविंग द लिस्ट ऑफ अनदर कंट्रीज एज वेल एज देयर करेंसीज। ओके, तो फर्स्ट वन इज इजिप्ट, इजिप्ट इज फेमस फॉर ममीज। तो इजिप्ट में क्या चल रहा है, पाउंड, इजिप्शियन पाउंड। नेक्स्ट वन इज इथोपिया, एंड इथोपिया में क्या चल रहा है, इथोपियन बिर, इथोपियन बिर, और इजिप्ट में क्या है, इजिप्शियन पाउंड। ठीक, फिर है फिजी, फिजियन डॉलर, फिजी कनाडा में डॉलर था, अमेरिका में डॉलर था, और ये क्या आ गया, फिजी, फिजी में भी क्या है, डॉलर। नेक्स्ट फिनलैंड, देखो फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस, फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस, फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस, आई एम रिपीटिंग, फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस, चारों में क्या है, यूरोपियन यूरो, यानी फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस, इसको ऐसे याद कर लो, F2G2, फिनलैंड फ्रांस जर्मनी ग्रीस, और यहाँ क्या है, यूरोपियन यूरो, करेंसी क्या है, यूरोपियन यूरो। नेक्स्ट वन इज घाना, और घाना में क्या है, घानियन सेडी, घाना यानी घेनियन, घानियन सेडी। तो ये लिस्ट है, और अभी लिस्ट बाकी है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, वी विल बी राइट बैक विद अनदर लिस्ट ऑफ द कंट्रीज एज वेल एज देयर करेंसीज।
तो मैनी मोर टू गो, अभी तो चलो, मैनी मोर टू गो से याद आ गया, अभी तो चलना शुरू किया है, अभी तो चलना शुरू किया है, मंजिल तो अभी बाकी है, अभी तो चलना शुरू किया है, मंजिल तो अभी बाकी है, कदम ही तो उठाया है, राहें तो बहुत सी बाकी हैं, अभी तो सिर्फ स्टार्ट किया है, मैनी माइल्स टू कवर, मैनी मोर स्टेप्स टू कवर, एंड वी हैव टू कवर अ वेरी लॉन्ग जर्नी, सो नो नीड टू गो एनी वेयर, टेक अ स्क्रीन शॉट, वी विल बी बैक विथ सम अदर नेम्स, ओके, सो नाउ वी आर हैविंग अनदर लिस्ट, और ये इम्पॉर्टेंट भी है आपके लिए, हंगरी में क्या चल रहा है, हंगेरियन फॉर्निट, ठीक, हंगेरियन फॉर्निट, फिर इंडोनेशिया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और कई बार एग्जाम्स में आपके पूछा जा चुका है, इंडोनेशिया की करेंसी क्या है, इंडोनेशियन रुपिया, देखो इंडिया में क्या चलता है, इंडियन रुपी, और इंडोनेशिया में क्या है, इंडोनेशियन रुपिया, रुपिया, ठीक, तो रुपिया इसकी करेंसी है, फिर है ईरान, ईरानियन रियाल, और इराक, इराकी दीनार, यानी ईरान में रियाल है और इराक में दीनार, ईरान रियाल इराक दीनार, ईरान रियाल इराक दीनार, फिर क्या है, आयरलैंड और इटली, आयरलैंड और इटली दोनों में क्या चल रहे हैं, यूरोपियन यूरो, आयरलैंड और इटली दोनों में क्या चल रहे हैं, यूरोपियन यूरो, फिर क्या है, कुवैत, कुवैत में क्या चल रहा है, कुवैतियन दीनार, और मलेशिया, मलेशिया में क्या है, मलेशियन रिंगिट, ठीक, मलेशिया में क्या है, मलेशियन रिंगिट, सो ये लिस्ट है, कुछ थोड़े अभी नाम बाकी हैं, सो नो नीड टू गो एनी वेयर, वी विल बी बैक, ठीक, डेफिनेटली वी विल बी बैक, एंड आई होप यू विल नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज ईच एंड एवरी कंट्री, ईच एंड एवरी नेम ऑफ द कंट्री एंड एवरी सेशन इज इम्पॉर्टेंट as you are having your exams on 11th of September. So every session is equally important, every question is equally important. So no need to go anywhere, we will be right back with another names. Take a screenshot, we will be back. Okay, बच्चों, तो फिर से हमारे पास कुछ लिस्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सबसे पहले मॉरिशियस, मॉरिशियस में देखो क्या चल रहा है, मॉरिशियन रूपी, फिर से क्या आ गया, रूपी, तो ऐसी कंट्रीज जिनकी करेंसी में रुपी, रुपिया, पैसो, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट नेम्स फॉर योर एग्जाम्स, काफ़ी पूछने जाने वाले कंट्रीज हैं, क्योंकि हमें अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है कि ये तो यहाँ नहीं है, यहाँ चलता है, तो मॉरिशियस में भी क्या है, मॉरिशियन रुपी, फिर है मैक्सिको, मैक्सिको में क्या है, पैसो, मैक्सिकन पैसो, फिर है म्यांमार, म्यांमार में क्या है, म्यांमार क्यात, ठीक, म्यांमार हमारा पड़ोसी देश है और यहाँ क्या चल रहा है, क्यात, फिर नेपाल में देखो नेपलीज रुपी, हर चीज़ में नेपलीज रुपी, अभी अच्छा हुआ इनका, ये तो सिर्फ करेंसी की बात है, तो जब ये कह सकते हैं भारत की, प्रभु श्री राम हमारे यहाँ के थे, नेपाली थे, भारत के नहीं थे, तो हो सकता है ये कह दे कि इनका रुपी और हमारा जो रुपी है वो हम ही नहीं, इनका था, ठीक है, ये तो सब बच्चों कॉन्ट्रोवर्सीज हैं, चलती रहती हैं, इनको बताने का मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको याद कराना होता है, नेपाल में क्या है, नेपालीज रुपी, फिलीपींस पैसो, फिर रशिया रूबल, फिर क्या आ गया, श्रीलंकन रुपी, श्रीलंका अपना पड़ोसी देश, बड़े अच्छे संबंध हैं इसके साथ हमारे, काफ़ी मित्रता मैत्री रहती है, और क्या है यहाँ पे, रुपी, फिर आया स्विट्ज़रलैंड और स्विस फ्रैंक, ठीक, स्विट्ज़रलैंड में क्या चल रहा है, स्विस फ्रैंक, यहाँ पर ही हमारी कंट्री और करेंसीज़ की लिस्ट ख़त्म होती है, आप स्क्रीनशॉट लेंगे, डेफिनेटली हम हटेंगे यहाँ से, स्क्रीनशॉट लेंगे आप, लेकिन जाने से पहले बता दूं, अगर आप हमारे वीडियो पे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल भी ज़रूर दबाएं, क्यों, क्योंकि एग्ज़ाम्स अब पास आ चुके हैं और हर एक सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो सेशंस को मिस मत कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और हमारे साथ सीखते जाइए, ताकि आप जीत जाएं और एग्ज़ाम फोड़ के आएँ, क्योंकि बिंगो करना है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू एवरीवन, टेक अ स्क्रीनशॉट।